हेलो एवरीवन, चलिए आज हम जल्दी से यहाँ पर डिस्कशन शुरू कर रहे हैं विद कैपिटल बजटिंग यूनिट। दिस इज़ योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दैट आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शिवदास बुक। दिस इज़ एप्लीकेबल, दिस इज़ एलिजिबल। दीज क्वेश्चंस आर आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम योर बुक शिवदास। ये आपकी मैं शिवदास वाली बुक से डिस्कस कर रहा हूँ और शिवदास वाले बुक के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं अभी हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ये उसका डिस्कशन है और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 1 है। दिस इज़ फॉर बीकॉम ऑनर्स फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये जो लेक्चर्स हैं मैंने बेसिकली रिकॉर्ड करे हैं फॉर CBCS सेमेस्टर 5। CBCS में जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं जो अभी करेंटली सेमेस्टर 5 में हैं, जो ओल्ड तरीका था, या जो न्यू NEP के तहत सेमेस्टर 3 में फिनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल लेक्चर्स हैं। राइट, सो बेसिकली जिन्होंने एडमिशन लिया है 2023 में ऑनवर्ड्स, उन्होंने NEP में एडमिशन लिया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत एडमिशन लिया था और उनको थोड़े सिलेबस सब्जेक्ट्स में डिफरेंस था। तो ओल्ड पैटर्न के हिसाब से, CBCS सिस्टम के हिसाब से, दिस इज़ सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट, सेम सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। एंड NEP के हिसाब से दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल, सेमेस्टर 3 का हमारा ये सब्जेक्ट है फिनेंशियल मैनेजमेंट, उसका आज हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग चैप्टर का। ठीक है, मैं आई विल बी ट्राइंग कि मैं एक इस सब्जेक्ट के फिनेंशियल मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे के सारे आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दूँ और जितने भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिटेल में आपको समझा दूं हाउ वी हैव डन इट। सी, इन योर पेपर यू डोंट गेट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन बट यू गेट सिमिलर क्वेश्चंस। सो अगर आपको ये पता है कि क्वेश्चंस मैंने कैसे सॉल्व करे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आपने दो दो तीन तीन बार सॉल्व कर लिया, तो इट विल हेल्प यू आउट इवेंचुअली फॉर योर पेपर। राइट, सो सॉल्विंग द 10-year क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव एंड हेंस आई हैव डन इट। राइट, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ फ्रॉम नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला टॉपिक है, उससे हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है। द रोडेक्स कंपनी इज़ कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन अ मशीन दैट प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स। हमारा जो कंपनी है ये प्रोडक्ट एक्स बनाता है, ये प्रोडक्ट एक्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। जो मशीन है वो हमें कॉस्ट करती है 5 लाख रुपीज़। मतलब आज मैं जाके मशीन खरीदूँगा तो मुझे 5 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा और उसका प्राइस जो होगा वो होगा 20 रुपीज़। मतलब ये 20 रुपीज़ मुझे क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। सर बोलता है वॉल्यूम जो है वो मेरा एक्सपेक्ट कर रहा है 20% बढ़ने का। तो मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे साथ साथ इसका सोल्यूशन डिस्कशन करता हूँ, दिस इज़ टू सोल्यूशन 1। ठीक है, दिस इज़ योर सोल्यूशन 1। अगर आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इस पर्टिकुलर ये जो मैं सोल्यूशन हैंड आउट कर रहा हूँ लेक्चर वाइज, ये लेक्चर वाइज आई विल अपलोडेड इन द टेलीग्राम ग्रुप। ये टेलीग्राम ग्रुप का जो मेरा वो रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप का जो मेरा लिंक रहेगा वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप चाहो तो जाकर इसको, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, आप टेलीग्राम के थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हैं। राइट, OSS अकेडमी ऑफ एजुकेशन, अगर आप सर्च करेंगे OSS अकेडमी ऑफ एजुकेशन, राइट, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा मेरा एक टेलीग्राम चैनल, तो यू कैन जस्ट ट्राई टू फॉलो मी देयर। राइट, वहाँ पर मैंने ये बुक, ये वाला बुक और ये वाला हैंडआउट अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। चलिए, वी आर कमिंग अप टू द क्वेश्चन। मेरे को बोला है मेरा जो प्रोडक्शन है ईयर 1 में, मतलब ईयर 1 में मेरा जो प्रोडक्शन है वो है 10,000 यूनिट्स का, और मुझे बोला है कि ईयर 2 में मेरा प्रोडक्शन इन ईयर टू जो है वो 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10,000 प्लस 20%। तो कैलकुलेटर पे सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,000 यूनिट्स। तो मतलब मेरे को एक चीज़ तो क्लैरिटी में मिल गई
कि मैंने ईयर वन में प्रोडक्शन करी है 10,000 यूनिट्स की, ईयर टू में मैंने प्रोडक्शन करी है 12,000 यूनिट्स की। सर एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे मेरा जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो 10% बढ़ गया, तो इसका मतलब मेरा जो प्राइस था ईयर वन में वो मुझे गिवन था क्वेश्चन में ₹20, और मेरा प्राइस सेलिंग प्राइस इन ईयर टू विल बिकम +10% विच विल बी 20 प्लस 10% विच वुड बी नथिंग बट ₹22। आई होप सबको यहाँ तक क्लियरिटी मिलनी चाहिए, यहाँ तक एकदम सबको बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? तो मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मेरे को जो दे रखा था मेरे को परसेंटेज दे रखा था, मैंने परसेंटेज को बस प्लस करा कैलकुलेटर पे एंड आई गॉट माई आंसर्स। आई कैन शो यू इन द कैलकुलेटर ऑल्सो हाउ आई डिड इट। सिंपल 20 प्लस 10% 22 आ गया, 10,000 प्लस 20% 12,000 आ गया, दैट्स हाउ एंड व्हाट आई डिड हियर, राइट? अगर आप देखेंगे मेरे को क्वेश्चन में बोला जो मेरा मटेरियल था है ना, जो मैंने मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया था वो डे बाय डे एक्सपेंसिव होता जा रहा है, धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। बोलता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%, द प्रोडक्शन कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर विल बी ₹10। तो मतलब मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईयर वन में वो मुझे दे रखा है ₹10, और ईयर टू में वो कितना बढ़ रहा है, 15% से बढ़ रहा है। तो मेरे को बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ईयर टू में बढ़ रहा है ₹10 प्लस 15%, तो आंसर हो जाएगा 10 प्लस 15% आंसर हो गया ₹11.5, है ना? सेकेंड ईयर में मेरा वैल्यू हो गया ₹11.5। कंपनी जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करती है मशीन फॉर द टैक्स पर्पसेस। बोलता है हमारी कोई सैलवेज वैल्यू, मतलब कोई भी सैलवेज वैल्यू से मेरा कहने का मतलब है कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी, मेरी जो स्क्रैप वैल्यू है वो मेरे को नील दे रखी है, वो मुझे क्वेश्चन में नील दे रखी है, जीरो दे रखी है, और 5 ईयर की लाइफ होगी। तो क्या मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूँ? सर आई कैन डेफिनेटली कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी विल बी 5 लाख का कॉस्ट था, सैलवेज वैल्यू ज़ीरो, ऑन 5 ईयर्स का कॉस्ट, मतलब मेरी ईयरली डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, मेरी ईयरली डेप्रिसिएशन हो गई 1 लाख। एवरी ईयर मैं जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा वो कितना चार्ज करूँगा? सर 1 लाख रुपीज़ का डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा, राइट? हमारा जो टैक्स रेट है वो 50% है, और जो डिस्काउंटिंग रेट है, आपको पता है क्योंकि मैं यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाला हूँ, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए मुझे एक डिस्काउंटिंग रेट चाहिए होता है, वो मुझे क्वेश्चन में दे दिया 20%, राइट? आपको बोला है क्या मेरे लिए ये मशीन खरीदना फीजिबल ऑप्शन है या नहीं है, क्या मुझे यहाँ पर ये मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। याद रखेंगे मैं जब यहाँ पर गुड्स खरीद रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे मशीन खरीद रहा हूँ, मुझे डेटा केवल 2 ईयर्स का दे रखा है, मुझे यहाँ पर डेटा केवल और केवल 2 ईयर्स का दे रखा है। बट अगर आप ध्यान देंगे मेरे पास ईयर वन का डेटा गिवन है और ईयर टू का डेटा गिवन है, बट ईयर 3, 4, 5 में भी तो प्रोडक्शन होगी, तो ईयर 3, 4 एंड 5 में मैंने जो इनफ्लो माना है वो सेम माना है जो ईयर टू में था। जो ईयर टू में मैं इनफ्लो कमाऊंगा वही सेम इनफ्लो मैं ईयर 3 में कमाऊंगा, ईयर 4 में कमाऊंगा, ईयर 5 में कमाऊंगा, है ना? ठीक है ना सर? इसका एक अल्टरनेटिव एक्सपेंस भी बन सकता है, एक अल्टरनेटिव वो भी बन सकता है जहाँ पर हम धीरे धीरे, क्योंकि हमें बोलता है, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल सेकेंड ईयर के बारे में बता रखा है ना, इस वजह से हम चीज़ें हम एवरी ईयर ये प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज़ कर रहा है वो चीज़ हम नहीं मान सकते, समझ आया? अब आपको अगर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिया क्वेश्चन में, हो सकता है आपको क्वेश्चन में बोल दे कि एवरी ईयर वो ये वैल्यू चेंज हो रही है, एवरी ईयर वैल्यू चेंज होने में हमारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे, है ना? तो अगर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले कर लेता हूँ कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इनकम कर लेता हूँ, ठीक है? इनकम का मतलब होता है कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CFAT। मतलब मैं अगर प्रोडक्शन करता हूँ, प्रोडक्शन करने में मैं कितना इनकम अर्न करने वाला हूँ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट हियर।
सर आई हैव बीन गिवन टू इनकम टू ईयर्स, आई विल बी कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ ईयर वन एंड ईयर टू, टू ईयर्स। सर मेरी प्रोडक्शन है, मेरी प्रोडक्शन है यहाँ पर 10,000 यूनिट्स और यहाँ पर है 12,000 यूनिट्स, करेक्ट। सर यहाँ पर मेरी सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़ और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 22 रुपीज़। सर क्या मैं यहाँ पे सेल्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे सेल्स निकाल सकता हूँ। दैट वुड बी 10,000 इंटू 20, है ना, 10,000 इंटू 20 दैट वुड बी 2 लाख रुपीज़, दैट वुड बी 2 लाख रुपीज़। और यहाँ पर हो जाएगा 12,000 इंटू 22 दैट वुड बी 2,64,000, 2,64,000। सिंपल सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, नथिंग मोर। सर मुझे मेरा सेल्स मिल गया। सेल्स में से अब हम, मैं सबसे पहले माइनस कर देता हूँ मेरा खर्चा। तो मेरा खर्चा क्या था? सर मेरा खर्चा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले साल में है 10,000 इंटू कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, 10। और दूसरे साल में कितना था? सर दूसरे साल में है 12,000 इंटू 11.5, है ना, मल्टीप्लाई करके निकाल लेता हूँ। सर 10,000 इंटू 10 दैट्स 1 लाख, है ना। और अगर आप देखोगे यहाँ पर हो जाएगा 12,000 इंटू 11.5 दैट वुड बी 1,38,000, राइट। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, सर यहाँ पे मुझे मिल गया 1 लाख और ये मुझे मिल गया 264 माइनस 138 दैट वुड बी 1,26,000, ठीक है। सर दिस इज़ माई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, है ना, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। अब मैंने निकाला यहाँ, अब मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, है ना, एंड टैक्स, EBIDT, ठीक है ना, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब मैं सबसे पहले इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ। मैंने डेप्रिसिएशन निकाला था बेटा एवरी ईयर इट वॉज 1 लाख, ईयर 2 से लेके ईयर 5 तक की ये कैलकुलेशन है ना, अर्निंग्स है। तो अगर आप देखोगे मेरा डेप्रिसिएशन था 1 लाख, तो यहाँ पर तो मेरी इनकम हो जाएगी देख लो नील, और यहाँ पर मेरी इनकम हो जाएगी 26,00,000 रुपये, 26,000। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अर्निंग्स बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे कुछ दे नहीं रखा, तो आई विल टेक इंटरेस्ट टू बी नील। तो यहाँ पर हो जाएगा नील, यहाँ पर हो जाएगा 26,000। सर इसमें मैं माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट टैक्स। सर टैक्स मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 50%, तो यहाँ पर तो हो जाएगा नील, यहाँ पर हो जाएगा 13,000। तो वैल्यू हो गया देख लीजिए नील एंड 13,000। सर ये मेरे को मिल गया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, क्या मिल गया मुझे, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। सर इसी वैल्यू में, क्योंकि मुझे पता है ना डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको खर्च करना में कुछ मेरा नगद रुपया तो जा नहीं रहा, तो नगद रुपया नहीं जा रहा तो ये खर्चा एक्चुअली में मेरे इनफ्लो से माइनस तो नहीं होना चाहिए था। सर ये मेरे इनफ्लो से नगद पैसा नहीं जा रहा ना, तो इसीलिए मेरे इनफ्लो में से ये माइनस नहीं होना चाहिए था। तो अब मैं क्या कर लूँगा सर, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लूँगा, तो मुझे मिल जाएगा कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स विच इज़ गोइंग टू बी 1 लाख एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 1,13,000 रिस्पेक्टिवली, 1 लाख एंड 1,13,000। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। सर ईयर 1 में मेरी इनकम है 1 लाख रुपये और ईयर 2, 3, 4, 5 में मेरी इनकम है 1,13,000 ईच रिस्पेक्टिवली, है ना। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सर इसके बाद में अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, सर अब मैं बनाऊँगा कैलकुलेशन ऑफ NPV। सर अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। याद रखेंगे सर हमारे लिए जो NPV होता है ना, हमारे लिए जो NPV होता है, NPV कैलकुलेट किया जाता है बाय नेट कैश आउटफ्लोज, या मैं रादर कह देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज में से जब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस कर देता हूँ, जब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस कर देता हूँ, तो मुझे जो मिलता है वो मिलता है NPV, ठीक है। सर आउटफ्लोज क्योंकि ईयर 0 पे कनेक्टेड है तो ये प्रेजेंट वैल्यू पर है, लेकिन ये जो मेरे इनफ्लोज है ना, ये मेरे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 पे मेजर्ड है, तो मुझे इनको 0 पे मेजर करना पड़ेगा, तो मुझे इनको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। इनको 0 पे मेजर करने के लिए, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए
मुझे इन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुझे इन्हें मेजर करना पड़ेगा, तो ये मेजरिंग करने के लिए मैं इनको पीछे खींचूंगा। तो जब मैं इनको पीछे खींचने वाला हूँ ज़ीरो पे, है ना, तो मतलब मैं यहाँ पर इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाला हूँ, राइट। मैं इनकी क्या निकालने वाला हूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाला हूँ। सर प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इसकी इसकी वर्किंग, इसकी शोइंग ऐसे होता है, यहाँ पर हम दिखाते हैं ईयर, यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। याद रखेंगे ईयर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे आउटफ्लो मेंशन करेंगे, हमारी आउटफ्लो ज़ीरोथ ईयर पे मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ज़ीरोथ ईयर पे मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा वन होता है, 1.00, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं हमारा। ओहो मैंने एक अमाउंट नहीं लिखा, आई एम सॉरी, एक अमाउंट कॉलम हमारा यहाँ पे मिस हो गया। पहले हम यहाँ पे अमाउंट कॉलम लिखेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे, प्लस फिर प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। हमारा अमाउंट था बेटा 5 लाख, लेकिन आप ध्यान दो ये आउटफ्लो है तो इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, है ना। अमाउंट है नेगेटिव 5 लाख, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 लाख आ गया। सर ईयर 1 पे आए, सर ये मेरी पहले साल की इनफ्लो है, ये मेरी पहले साल का सी फैट है, कितना है सर, सर ये है 1 लाख, ठीक है। सर पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 20% के रेट पे, 20% के रेट पे पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 20% के रेट पे पहले साल है 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल टू, तो आंसर आ गया 0.833 डेसिमल प्लेस तक ले लेते हैं, चलिए, है ना। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख किया तो मुझे मिल गया 83,333। सर ईयर 2 पे हम गए, यहाँ पर अगेन अब मैंने इनफ्लो 2 लिखा, सी फैट, अगेन सी फैट मेरा कितना था, 1,13,000। सर सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल टू तो आंसर आ गया 0.694। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 113 से, मेरे पास आंसर आ गया 78,472, राउंड ऑफ में फिगर लिखेंगे, है ना। ऐसे ईयर 3, 4 एंड 5 वी हैव इनफ्लो, है ना, दैट इज अगेन सी फैट, एंड मेरा अमाउंट भी होने वाला है 1,13,000। सर अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले फैक्टर्स कैलकुलेट करने वाला हूँ। 1.2 डिवाइड इक्वल टू आंसर आया 0.578 इंटू 113, दैट गिव्स मी 65,314। 1.2 डिवाइड 1, 2, 3, 4 दैट इज 0.482 इंटू 113, दैट गिव्स मी 54,466। 1.2 डिवाइड इक्वल 1, 2, 3, 4, 5 दैट गिव्स मी 0.402 तो 0.402 इंटू 113 दैट गिव्स मी 45,426 रुपीज़। अब मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास आंसर आएगा इसको मैं कहता हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू। आई स्टार्ट विद नेगेटिव 5 लाख प्लस 83,333 प्लस 78,472 प्लस 65,314 प्लस 54,466 प्लस 45,426। आंसर आई एम गेटिंग हियर इज नेगेटिव 172,989। आई एम गेटिंग अ नेगेटिव फिगर since NPV is negative, hence the machine should not be purchased, machine को खरीदना नहीं चाहिए, should not be purchased, right। आपको यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या
सर एनपीवी अगर नेगेटिव आती है तो हमें वो प्रोजेक्ट बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए। अगर मेरा एनपीवी यहाँ पर नेगेटिव आता है तो मुझे ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए। हेंस यहाँ पर मेरा एनपीवी जो है वो नेगेटिव आ रहा है, हेंस हमें इसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको बहुत क्लियर होगा। मैंने कोशिश करी है अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की, राइट, एंड आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। अगर आप किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंटेंट चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रिपेयर करें तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कमेंट, है ना। एंड थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट विल लिटरली हेल्प अस आउट, मोटिवेटिंग अस इन बूस्टिंग आवर वर्किंग, राइट। चलिए वी आर मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन आउट हियर। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो भी कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। आर्या एंटरप्राइजेस बोलता है, आर्यन एंटरप्राइजेस इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट विच एट प्रेजेंट इज बींग ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अगर हम ये अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं तो हम इसे बाहर से, इंडिया के बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्पोनेंट वुड कॉल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,50,000। मतलब अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करूँगा तो आज मुझे 7,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन अ न्यू मशीन बिसाइड्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 इन वर्किंग कैपिटल। मतलब मुझे 50,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 7,50,000 का और 7,50,000 का मुझे एसेट खरीदना पड़ेगा, है ना, एसेट खरीदना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7,50,000 प्लस 50,000, दैट्स गोइंग टू बी 8,000, 8 लाख, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर टू जो, राइट, हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर टू है इसका सोल्यूशन, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितने होने वाला है, टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल आउटफ्लो, हम कहेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल आउटफ्लो। अभी क्वेश्चन को देखकर हमें क्या पता चला कि सर हमें एक तो कॉस्ट ऑफ मशीन लगाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ मशीन लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट वुड बी 7,50,000, और उसके कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट वुड बी 50,000। कितना होगा 50,000, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 8 लाख्स, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 8 लाख्स। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई टोटल आउटफ्लो, मेरा टोटल जो पैसा लगने वाला है बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग में। बोलता है जब हम मशीन का लाइफ ऑफ मशीन है वो 10 साल चलेगा, मतलब 10 साल चलेगा और इसकी सैलवेज वैल्यू रहेगी 50,000, तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूँ? सर क्या मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। तो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 8 लाख, सर 7.5 लाख रुपये की, आई एम सॉरी, 7.5 लाख रुपये की मेरी एसेट है, 7,50,000 रुपीज़ का एसेट है, इसकी सैलवेज वैल्यू है 50,000 और ये 10 ईयर्स चलने वाली है, तो इसका मतलब मेरे लिए 70,000 इसकी डेप्रिसिएशन होगी, हर साल 70,000 से वैल्यू कम होनी चाहिए अगर ये स्ट्रेट लाइन बेसिस है, मैंने बिना देखे पढ़ लिया, राइट, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बेसिस पर है, ठीक है। बोलता है द एस्टिमेटेड सेविंग्स, सेविंग्स का मतलब है कितना पैसा हम बचाएंगे, प्रॉफिट, है ना, बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले वो होने वाला है 1,80,000 पर एनम। मतलब हम हर साल 1,80,000 रुपये कमाएंगे, हम 1,80,000 रुपये हर साल कमाएंगे, है ना। द इनकम टैक्स रेट इज़ 50%, तो मेरा टैक्स रेट 50% है, कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब इतने पे ही हम डिस्काउंटिंग करने वाले हैं, इतने ही अमाउंट पे हम डिस्काउंटिंग करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, राइट। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम एनपीवी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम एनपीवी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो यू नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स वेरी क्लियरली आउट हियर। क्या दो चीज़ ध्यान रखती हैं? यहाँ पर हमारे लिए ये जो 50,000 वर्किंग कैपिटल है और ये जो 50,000 मेरी सैलवेज वैल्यू है,
ये 50,000 जो मेरी वर्किंग कैपिटल है और 50,000 जो मेरी सैलवेज वैल्यू है, ये एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ, जब मेरी मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ ख़त्म हो रही है, उस टाइम पर मुझे ये पैसा वापस मिलने वाला है, उस टाइम पर मुझे ये पैसा वापस मिलने वाला है। तो हम हमेशा इसको इनफ्लो में भी वापस ऐड बैक करते हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पर आप छोटा सा एक नोट चाहो तो याद रखेंगे, दैट वर्किंग कैपिटल एंड सैलवेज वैल्यू इज ऑलवेज एडेड, इज ऑलवेज एडेड इन द इनफ्लो एट द लास्ट ईयर। जिस भी साल हमारा प्रोजेक्ट मशीन खत्म हो रहा है, उस साल में हम वर्किंग कैपिटल भी ऐड करते हैं और हमारा जो भी सैलवेज वैल्यू है वो भी ऐड बैक करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी इनकम कितनी है, 180,000, टैक्स रेट 15% और मेरा 10। अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ सीफैट, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सर, सबसे पहले मेरे को बता दिया अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, वो मेरे को क्वेश्चन में दे दिया 180,000। ठीक है, ऑल ईयर्स, ये सारे साल सेम है ना, सारे साल सेम है ईयर, है ना। इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एवरी ईयर हर साल का डेप्रिसिएशन जो SLM बेसिस पे अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया 70,000 है, राइट। तो अगर आप देखेंगे मेरी वैल्यू कितनी बची, 110,000। इसमें से अगर आप देखोगे, दिस इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ टैक्स जो कि है 50%, तो मतलब 55,000 का टैक्स माइनस कर लूँगा, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास बच के क्या आएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मेरे पास क्या आने वाला है, 55,000। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आने वाला है, 55,000, जिसमें मैं अगेन ऐड बैक कर दूंगा डेप्रिसिएशन जो मैंने ऊपर माइनस किया था, है ना, सी फैट निकालने का तरीका था, तो दैट वुड बी 70,000। तो जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 125,000। सर, ये हो जाएगा मेरा सी फैट, ये हो जाएगा मेरा सी फैट। सर, अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेशन करने वाला हूँ, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। सर, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने अभी जो फॉर्मेट बनाया उसी फॉर्मेट से सिखाऊंगा, ईयर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू, फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है सर, ईयर ज़ीरो में मेरा आउटफ्लो टोटल कितना है, टोटल आउटफ्लो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था -8,00,000, प्रेजेंट वैल्यू 1, -8,00,000। ठीक है सर, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, देन वी हैव 7, 8, 9, 10। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारा है इनफ्लो, सब में इनफ्लो है ना, मैंने सब में इनफ्लो दिखाया है। मैं आपको एनपीवी कैलकुलेट करने का एक ही सिंगल तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा आपको मेरा तरीका हो सकता है लंबा दिख रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लग रही हूँ, लंबा लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता एक डिफरेंट कैलकुलेशन दिखाकर। और सारे साल में मेरी जो कैलकुलेशन है वो कितनी है, 125,000, राइट। तो मैंने देख लीजिए अमाउंट सब में लिख दिया, 125,000, 1,25,000, 1,25,000, 10th ईयर तक, है ना, आप देख सकते हैं मैंने 10th ईयर तक यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा, 10% मेरा डिस्काउंटिंग रेट है, तो 1.1 डिवाइड इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया 0.8260, 0.751, 0.681, 0.682, 0.653, 0.564, 0.513, 0.426, 0.486, राइट, मैंने लिख लिया, राइट। अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया 125,000 × 0.909,
That's 113625. 0.826 into 125. That's 250. Next, 125,000 into 0.751. That's 93875. 125,000 into 0.683. That's 85375. 125,000 into 0.621. 77625. 125,000 into 0.564. That's 70,500. Present values, hai na? Then you have 125,000 into 0.513, 64125. 125,000 into 0.467, 58,375. 125,000 into 0.424, that's 53,000. And lastly, we have 125,000 into 0.386, 48,250. सर इसके साथ साथ अगर आपको याद होगा ईयर 10 में एक तो मेरे पास था सैलवेज वैल्यू है ना, और ईयर 10 में मेरे पास था एक वर्किंग कैपिटल 50,000 दोनों था, तो वो भी मैंने यहाँ पे देख लीजिए इनफ्लो में दिखा दिया है ना, एट द सेम रेट 0.386. तो 50,000 इंटू 0.386 दैट वुड बी 19,300. अगर आप देखेंगे अब मेरे पास जो आंसर आएगा फाइनली टोटल करके वो होने वाला है क्या, NPV. अगर आंसर आया पॉजिटिव देन वी शुड परचेज, अगर नहीं आया पॉजिटिव तो इट शुड नॉट बी परचेज. 8 lakh rupees नेगेटिव प्लस 113625 प्लस 103250 प्लस 93875 प्लस 85375 प्लस 77625 प्लस 70500 प्लस 64125 प्लस 58375 प्लस 53000 प्लस 48250 प्लस 19300 प्लस 19300 दैट शुड गिव यू 6600. एम आई गेटिंग अ राइट फिगर? यस, 6600. 6600 बिकम्स योर NPV, राइट? सर मेरे और बुक के आंसर में थोड़ा सा फ़र्क क्यों आ रहा है? सर हमारा आंसर 6600 आ रहा है और बुक का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आ रहा है बिकॉज ऑफ द राउंडिंग ऑफ इश्यूज़, इस वजह से यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, राउंडिंग ऑफ इश्यूज़ के वजह से यहाँ पर इशू आ रहा है, राइट? अगर आप देख सकते हो आंसर 6725, हमारा 6600 आ रहा है, एंड इट्स करेक्ट, डोंट वरी, राइट? राउंडिंग ऑफ इश्यूज़ के वजह से ये डिफरेंस आता है अमाउंट में, और ये हमेशा आता है, हर क्वेश्चन में आएगा आपको. ठीक है, दिस इज़ देयर NPV इज़ पॉजिटिव. तो सिंस NPV इज़ पॉजिटिव, अब खड़े खड़े बोल मत देना खरीद लो. सिंस NPV इज़ पॉजिटिव, है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है खरीद लो. द कंपनी मे डिसाइड टू परचेज. ठीक है, यहाँ पर याद रखना मे इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड. हम बोलते नहीं, हम रिकमेंड नहीं करते, हम बोलते हैं कि ठीक है कंपनी कर सकती है. हम अगेन उन्हें रिकमेंडेशन देते हैं कि आप कर सकते हो, ऐसा करोगे तो पॉजिटिवनेस आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो वही चीज़ है, यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है NPV इज़ पॉजिटिव. इन्वेस्टमेंट मे बी मेड, शुड बी मेड की जगह हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें न्यूट्रल आंसर दे, राइट? आई होप हमें यहाँ तक का एलिमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. आज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे लेक्चर 1 में 2 क्वेश्चंस डिस्कस करे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड कैपिटल बजटिंग चैप्टर के, कैपिटल बजटिंग यूनिट के, राइट? आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस समझ में आए. मैंने पूरे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग इन्हें लिखकर ज़रूर सॉल्व करें एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें. सो आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो एंड यू लाइक टुडेज़ क्लास, राइट? आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ डेफिनेटली हमें कमेंट बैक ज़रूर कीजिएगा, एंड डू फॉलो अस, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन reach towards it, right? Thank you so much.
I'll see you for the next lecture, lecture number 2 on this particular topic, right? Thank you. Bye-bye.